अब आ रहे हैं जी मुंतखब सवालात। सरदार अमीन है लाहौर से, वो कहते हैं जी इमरान खान वक्ती तौर पे नायल कर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने जुमा को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने का इशारा दिया है। मेरा सवाल है कि पी डी एम बदस्तूर हुकूमत में और इमरान खान सड़कों पर, दूसरी जानब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने को है, आपको मुस्तकबिल में क्या होता नज़र आ रहा है? मुस्तकबिल तो मैं नहीं जानता जी, मैं सरदार साहब, मैं ना कोई नजूमी हूँ ना मैं पेशगोइयाँ करता हूँ, दुआ करता हूँ एक कि अल्लाह करे आवाम के सब्र का पैमाना टूट जाए, लबरेज होने को छोड़े टूट जाए। 75 साल हो गए यार, बहुत हो गए, हमने तो जितना जीना था जी लिया। मैं आई एम नाउ 70, मैंने क्या अब यहाँ होना, अपनी आइंदा नस्लों के लिए इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई। अब तो इन कुर्बानी में बड़ी किताबें, अब मुझे मार्केट में कोई किताब ढूंढ के दिखाएं, नस्लों को बेखबर रखा गया, पता ही नहीं कि क्या हुआ। तो अल्लाह करे अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज ना हो, सिर्फ टूट जाए और बहुत कुछ को तोड़ के रख दे। अमृतसर, वो कहते हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के मुकाबले बहुत सनसनीखेज होते हैं, पूरी दुनिया ये मैचेस बहुत शौक से देखती है। आज भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मैच जारी है, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत को खेलों, सकाफत और तजारत के मैदान में एक दूसरे को पाबंदियों से इस्तिस्ना देना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? दरेश सिंह साहब, आप 100% दुरुस्त, कोई भी सेन आदमी, कोई भी सेंसिबल आदमी यही बात करेगा जो आप फरमा रहे हैं, एक बात। दूसरी, जहां तक मेरा जाती ताल्लुक है, मैं वैसे हालांकि आपके सवाल में ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे को क्रिकेट से का शौक दिलचस्पी मिले बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहरहाल जो सवाल है आपका खेलों, सकाफत और तिजारत के, तो यार सदियों इकट्ठी गुजारी, क्या कोई पागलपन है? नया वर्ल्ड ऑर्डर रस्ते में है, वापस आ गए हैं चीन के सरबराह, उनकी तकरीर सुन और समझने ये मोदी साहब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, अपने लोगों से दुश्मनी मत करो, आप अमेरिका की गोद से नहीं उतर रहे, इधर कहानी किसी और तरफ जा रही है। लेकिन बहरहाल, तो दलेर सिंह साहब आपके सवाल का तो जवाब दे दिया, अब एक मेरी गुजारिश है, एक मेरी फरमाइश है, वो आप पूरी कर दें कि आप अमृतसर से हैं, अमृतसर को मेरा प्यार भरा सलाम कहिए, और अगर आने वाले दिनों में आपको जालंधर और लुधियाना आपका जाना हो तो इन शहरों को भी मेरा सलाम और प्यार कहिए। वजह उसकी मैं आपको बताता हूँ, मेरे दध्याल जालंधर से और मेरे ननिहाल अमृतसर और लुधियाना दोनों शहरों से, तो इन शहरों की मिट्टी मेरे फार्म हाउस पे मैं लेके आया था, कई साल हो गए, पता नहीं 14-15 साल, तो मैं इन शहरों की मिट्टी लेके आया, अपने उधर मैंने मिक्स की और उसमें गुलाब लगाए, तो जितने खूबसूरत वो गुलाब हैं उस तरह का अगर ताल्लुक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात चलते चलते मैं आपको बताऊं, अमृतसर में फरीद चौक मेरे बुज़ुर्गों के नाम पे है।